पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल और प्रस्तुत है आज के समाचार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में खुफिया सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में सूत्रों के अनुसार 3 आतंकी ढेर, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान था जारी। भाजपा महासचिव राम माधव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में कहा कि 3 फरवरी को जम्मू में प्रधानमंत्री करीब 35,000 करोड़ व कश्मीर में 9,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में करीब 2,00,000 लोगों की मौजूदगी रहेगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए गणतंत्र दिवस समारोह में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने को अनिवार्य करने के आदेश का राजनीतिकरण करने का राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया। कहा कि वे अब लगभग निष्क्रिय हो चुके हैं, साथ ही अपना आधार खो रहे हैं, इस वजह से इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। पूर्व IES अधिकारी शाह फैसल ने जम्मू कश्मीर में स्वच्छ राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए चंदा जुटाने का अभियान बुधवार को शुरू किया। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 2010 बैच के टॉपर ने कहा कि बदलाव के लिए ये लोगों का आंदोलन है। घाटी में सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक यानी 22 दिनों में अलबदर के टॉप कमांडर जीनत उल इस्लाम समेत 11 आतंकियों को मार गिराया। दक्षिण कश्मीर में 8 और मध्य कश्मीर में 3 आतंकी ढेर किए गए। 3 जनवरी को पुलवामा में हिजबुल के 3 आतंकी मारे गए। 13 जनवरी को पुलवामा में अलबदर के टॉप कमांडर जीनत उल इस्लाम समेत 2 आतंकी ढेर किए गए। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के बाद आज सुबह अधिकारी व संबंधित विभागों द्वारा युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का काम जारी। लद्दाख क्षेत्र के खारदुंगला दर्रे में हिमस्खलन के नीचे दबे पोटरों के 8 शव बरामद, खोज अभियान जारी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में 25 जनवरी 2019 को राजभवन जम्मू में होगी राज्य प्रशासनिक परिषद SAC की बैठक। जम्मू के विभिन्न कॉलेजेस के छात्रों ने जम्मू विश्वविद्यालय के खिलाफ हाल ही में 6th सेमेस्टर के प्रवेश के परिपत्र पर किया विरोध। इनको पहले नहीं देनी चाहिए थी, 5th सेम में, अब 5th सेम में दे दी तो 6th सेम में हमें एडमिशन के लिए दिया। और अब आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी तक, पर हमारा ये मुद्दा नहीं कि हम रोड बंद करें। हम ऐसे मुद्दा नहीं उठाते और ना हम यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहते। हमें सिर्फ हम वाइस चांसलर से ये बात करना चाहते हैं कि हमें एडमिशन दी जाए 6th सेम में, हमें ला कर इस रास्ते पर खड़ा ना किया जाए। सोमवार से लगातार पड़ रही बारिश और बर्फबारी के बाद जम्मू संभाग में तेज धूप देखी गई। कश्मीर घाटी में मौसम हालांकि आमतौर पर शुष्क रहा, लेकिन बादल छाए रहे। जम्मू कश्मीर गवर्नर के सलाहकार के रूप में स्कंद कृष्ण की नियुक्ति के लिए औपचारिक आदेश हुए जारी। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गणेश दया नर्सिंग होम, तालाब तिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप, पक्का क्राट जम्मू। We'll be right back.